नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध की और इस पर लगाम कसने और नकेल कसने की तैयारी अब उत्तर प्रदेश की सरकार कर चुकी है। यूपी कोका लाने की तैयारी है, यानी कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, जो कि मकोका की तर्ज पर लाया जाएगा। महाराष्ट्र का ये बिल है, लेकिन अब यूपी में भी इसे लाया जाएगा। और आपको बता दें कि पहले मायावती ने भी इसे लाने की कोशिश करी थी, लेकिन उस वक्त केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी। पुलिस की नाक में दम करने वाले संगठित अपराधी, खद्दरधारियों के संरक्षण में पलने वाले शातिर बदमाश और बड़े अपराध के बावजूद कानून से खेलने वाले गिरोह के दिन यूपी में लगने वाले हैं। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करना योगी आदित्यनाथ सरकार की मंशा है। अब तक पूर्व में अपराधियों को यहाँ संरक्षण दिया जाता था, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था। इस कानून में कठोर प्रावधान है, कोई भी अपराधी अब बचेगा नहीं। किसी भी तरह का संरक्षण अगर कोई कहीं मिलता है और इस तरह के अगर एविडेंस प्राप्त होते हैं कि कोई उसको संरक्षण दे रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी संगठित अपराध करने वाले कानून को धोखा नहीं दे सकेंगे। उत्तर प्रदेश में पहले से ही गैंगस्टर एक्ट लागू है, लेकिन कानून की खामियों की वजह से अपराधी जमानत पर रिहा हो जाते थे, लेकिन नए कानून के तहत जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। नए कानून के लागू होने के बाद संगठित अपराध, माफिया और आतंकवादियों पर शिकंजा कसेगा। अपराधियों, नेताओं के नेक्सस पर भी लगाम कसी जाएगी। पुलिस को गिरफ्तारी और पूछताछ के ज्यादा अधिकार मिलेंगे। भू माफिया, खनन माफिया और सेक्स रैकेट में शामिल लोगों पर नकेल कसेगी। कानून के तहत 3 साल से लेकर उम्र कैद और फांसी तक की सजा का प्रावधान है। 5 लाख से 25 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस मामले में सुनवाई के लिए विशेष अदालतें भी बनाई जाएंगी। मंडल स्तर पर आईजी, डीआईजी और कमिश्नर ऐसे संगठित अपराधियों की पहचान करेंगे। कानून के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए वरिष्ठ अधिकारी की टीम हर गिरफ्तारी की रिपोर्ट लेगी। पुलिस टीम निगरानी के दायरे में होगी। यहाँ खनन माफिया है, भू माफिया है, शराब माफिया है और जितने भी माफिया हैं और ऑर्गेनाइज क्राइम, सरकारी जमीन पर लोग कब्जा करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर लोग कब्जा कर लेते हैं और उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। तो इस तरह के क्राइम अब उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे। क्राइम उत्तर प्रदेश में अब इतिहास के पन्नों में होगा। हमारी मंशा है कि अपराध को जड़ समेत उत्तर प्रदेश से समाप्त करना। नए कानून के आने से न सिर्फ अपराध पर लगाम लगेगी, बल्कि ऐसे गिरोह भी टूटेंगे और अपराधियों के पास अपराध छोड़ने, शहर छोड़ने या फिर कानून के हिसाब से काम करने के अलावा दूसरा और कोई चारा नहीं बचेगा। हालांकि इस तरह के कानून के बेजा इस्तेमाल के आरोप भी लगते रहे हैं। देखना यह है कि योगी सरकार कैसे इससे निपटती है। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे किस तरह से गुजरात में कांग्रेस की हार पर चल रहा है मंथन। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।